हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में, जो पीएसएल का ही एक पार्ट है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इज अ टूल फॉर प्रमोटिंग कंपैरेटिव एडवांटेज अमंग बैंक्स व्हाइल दे मीट देयर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऑब्लिगेशंस इन इंडिया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पीएसएलसी में ये सुविधा दी गई है बैंकों को कि अगर किसी बैंक का यहाँ पर टारगेट पूरा हो जाता है पीएसएल में और वो अपने टारगेट से ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर लेता है, तो जितना उसने अपने टारगेट से ऊपर का लैंडिंग किया है वो किसी अदर बैंक को जिसका टारगेट पीएसएल में कंप्लीट नहीं हुआ है उसे दे सकता है। पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, टू अनेबल बैंक्स टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट एंड सब टारगेट्स बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल and at the same time incentivize the surplus banks, thereby enhancing lending to the categories under priority sector। यहाँ पर यह बोला गया है, ये बताया गया है कि अगर किसी बैंक का टारगेट पीएसएल में पूरा नहीं होता है तो वह बैंक किसी दूसरे बैंक से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर पीएसएल सर्टिफिकेट ले सकता है, जिससे उसका टारगेट भी कंप्लीट हो जाए। नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नेचर कैसा होगा, द सेलर विल बी सेलिंग फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशंस एंड द बायर वुड बी बाइंग द सेम, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क और लोन एसेट्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक को पीएसएल सर्टिफिकेट इशू करता है तो यहाँ पर पीएसएल में जिस बैंक ने लैंडिंग किया है, लोन दे रखा है, उसका जो रिस्क है या उस पर जो यहाँ पर जो लोन एसेट्स है वो दूसरे बैंक पर ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली यहाँ पर पीएसएल का जो वेटेज है वही ट्रांसफर होता है। मॉडलिटीज, दी पीएसएल विल बी ट्रेडेड थ्रू दी सीबीएस पोर्टल ई कुबेर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ई कुबेर ऑनलाइन पोर्टल है, सीबीएस पोर्टल है, जिसके द्वारा जो मेंबर्स बैंक है वो लिंक है, जो आपस में पीएसएल सर्टिफिकेट को ट्रेड कर सकते हैं। द डिटेल्ड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट दी ट्रेड्स आर अवेलेबल थ्रू दी ई कुबेर पोर्टल। और यहाँ पर जो पीएसएलसी की जो ट्रेडिंग है वो ई कुबेर पोर्टल के द्वारा ही यहाँ पर की जाएगी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात बोली है। सेलर एंड बायर, इसमें सेलर और बायर कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब वो ऑपरेशनल में आ जाएंगे, आपको पता ही है स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक का स्टार्टिंग में 18 महीने का उनको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, 18 महीने की परफॉर्मेंस देखने के बाद में उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, आगे की जो और अथॉरिटी से वो दे दी जाएगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी पीएसएलसी के लिए एलिजिबल हैं और यही सेलर और बायर हो सकते हैं। पीएसएलसी कौन कौन से तरह के हो सकते हैं, सबसे पहला जो पीएसएलसी है, पीएसएलसी एग्रीकल्चर, काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टूवर्ड्स द टोटल एग्रीकल्चर लैंडिंग टारगेट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो पीएसएलसी में एग्रीकल्चर का जो अलग से टारगेट रखा गया है, अगर वो किसी बैंक का कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पर वो किसी अदर बैंक से पीएसएल सर्टिफिकेट बाई करके एग्रीकल्चर के अपना टारगेट पूरा कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पीएसएलसी एसएफ एंड एमएफ। यहाँ पर एसएफ का मतलब है स्मॉल फार्मर और एमएफ का मतलब है मार्जिनल फार्मर। काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टूवर्ड्स दी सब टारगेट्स फॉर लैंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यहाँ पर पीएसएल में जो पीएसएल के टारगेट है उसमें स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए अलग से टारगेट सेट किया गया है कि पीएसएल में जो सभी बैंक हैं उनको 8% ऑफ देयर एनबीसी का या आरआरबीज के लिए टोटल आउटस्टैंडिंग का टारगेट अचीव करना है। अगर किसी बैंक का ये टारगेट अचीव नहीं होता है तो वो किसी अदर बैंक से यहाँ पर पीएसएलसी एसएफ या एमएफ बाई कर सकता है। पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइज भी एक पीएसएलसी सर्टिफिकेट का टाइप है। काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टूवर्ड्स दिस सब टारगेट फॉर लैंडिंग टू दी माइक्रो एंटरप्राइजेस। यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए आरबीआई ने पीएसएल में अलग से टारगेट सेट किया है, अगर ये किसी बैंक का पूरा नहीं होता है तो इस कंडीशन में यह बैंक किसी अदर बैंक से पीएसएल सर्टिफिकेट माइक्रो एंटरप्राइजेस में बाई कर सकता है और अपना टारगेट अचीव कर सकता है। पीएसएलसी जनरल,
ये फोर्थ टाइप है काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टुवर्ड्स द ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगर किसी बैंक की ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट अचीव नहीं होता है तो उस केस में वो यहाँ पर पीएसएलसी जनरल जो सर्टिफिकेट हैं उनको किसी अदर बैंक से बाई कर सकता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ पीएसएलसी में सबसे पहले देखते हैं पीएसएलसी एग्रीकल्चर, ऑल एलिजिबल एग्रीकल्चर लोन्स एक्सेप्ट लोन्स टू स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर फॉर विच सेपरेट सर्टिफिकेट आर अवेलेबल। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटिंग है जो एलिजिबल है कि एग्रीकल्चर में कौन एलिजिबल होगा ये बात बताई गई है। काउंटिंग फॉर किसके लिए काउंटिंग होगा, अचीवमेंट फॉर ऑफ एग्रीकल्चर टारगेट एंड ओवरऑल पीएसएल टारगेट। यहाँ पर अगर कोई बैंक पीएसएल एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट किसी अदर बैंक से बाय करता है तो उसका एग्रीकल्चर का टारगेट तो पूरा होगा ही होगा, साथ में पीएसएल का जो ओवरऑल टारगेट है वो भी पूरा होगा। पीएसएलसी एसएफ एंड एमएफ इसमें वही पीएसएलसी एलिजिबल होंगे, ऑल एलिजिबल लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को जो लोन दिया गया है वही पीएसएलसी एसएफ और एमएफ में यहाँ पर एलिजिबल होगा। अगर कोई यहाँ पर पीएसएलसी एसएफ या एमएफ सर्टिफिकेट बाय करता है किसी अदर बैंक से तो उसका यहाँ पर जो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के लिए सब टारगेट है वो तो अचीव होगा ही, साथ में ओवरऑल टारगेट भी अचीव होता है। पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइज इसमें एलिजिबल होगा, ऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लोन्स टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, यहाँ पर अचीवमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस सब टारगेट एंड ओवरऑल पीएसएलसी टारगेट, सेम उसी तरह कंडीशन है। पीएसएलसी जनरल, पीएसएलसी जनरल में यहाँ पर दी रेसिडुअल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स जो सेक्टर पीएसएल में बताए गए हैं उनमें यहाँ पर जितना भी लैंडिंग किया गया है अदर देन लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड माइक्रो एंटरप्राइज फॉर विच सेपरेट सर्टिफिकेट आर एलिजिबल, जिनके लिए अलग से सर्टिफिकेट इश्यू किए गए हैं वो इसमें काउंट नहीं होगा, और सभी जो पीएसएल में सेक्टर होते हैं उनमें लैंडिंग किया गया है पीएसएलसी जनरल में काउंट किए जाएंगे। अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल पीएसएल टारगेट और इसका जो इस्तेमाल है वो पीएसएल का टोटल टारगेट अचीव करने में किया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ पीएसएल अचीवमेंट, ए बैंक्स पीएसएल अचीवमेंट वुड बी कंप्यूटेड एज द सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स एंड द नेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ द पीएसएलसी इश्यूड एंड परचेज, सच कंप्यूटेशन विल बी डन सेपरेटली वेयर सब टारगेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज ओनली रिपोर्टिंग डेट, जहां पर जो रिपोर्टिंग डेट है उस पर यहां पर इन पीएसएल का जो अचीवमेंट है उसको कंप्यूटेशन यानी उसकी गणना की जाएगी। अमाउंट एलिजिबल फॉर इश्यू, नॉर्मली पीएसएलसी विल बी इश्यूड अगेंस्ट दी अंडरलाइंग एसेट्स, हाउएवर विद दी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट मार्केट फॉर पीएसएलसी ए बैंक परमिटेड टू इश्यू पीएसएलसी अप टू 50% ऑफ प्रीवियस ईयर पीएसएल अचीवमेंट विदाउट हैविंग दी अंडरलाइंग इट्स बुक्स। यहाँ पर बोला गया है कि कौन बैंक कितना यहाँ पर पीएसएलसी इश्यू कर सकता है, तो यहाँ पर वो कर सकता है 50% ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ पीएसएल अचीवमेंट। However, as on the reporting date, the bank must have met the priority sector target by way of the sum of the outstanding priority sector lending portfolio and net of the PSLC issued and purchased. To the extent of shortfall in the achievement of target, banks may be required to invest in RIDF and other funds in hereto. यहाँ पर अगर किसी बैंक का टारगेट पीएसएल में टारगेट अचीव नहीं होता है तो उसका जितना भी शॉर्टफॉल आता है वो यहाँ पर आरआईडीएफ यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो नाबार्ड में क्रिएट किया गया है उसमें जमा करेगा, या जो अदर एलिजिबल फंड है वहाँ पर ये बैंक अपना पैसा जमा करवाएगा। क्रेडिट रिस्क, यहाँ पर जो क्रेडिट रिस्क है वो किसके ऊपर जाएगा, पीएसएलसी जिसने इश्यू किया है उसके ऊपर या जिसने पीएसएलसी बाय किया है उसके ऊपर, तो यहाँ पर देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब यह है कि जिसने पीएसएलसी बाय किया है उसके ऊपर यहाँ पर क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा, जिस बैंक ने पीएसएल में लैंडिंग किया है क्रेडिट रिस्क उसी बैंक के पास में रहेगा। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टेंजिबल एसेट्स और कैश फ्लो, यहाँ पर कोई टेंजिबल एसेट्स या कैश फ्लो का ट्रांसफर नहीं होता है। अब PSLC की जो एक्सपायरी डेट है वो क्या होगी, ऑल PSLC विल एक्सपायर बाय 31st मार्च, जो सारे के सारे PSLC है जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च को तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, विल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड द रिपोर्टिंग डेट और उसके बाद ये यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। सेटलमेंट, द सेटलमेंट ऑफ फंड्स विल बी डन थ्रू द प्लेटफॉर्म एज एक्सप्लेन इन द इक्यूबेट सिस्टम, और इनका जो सेटलमेंट है वो इक्यूबेट सिस्टम के द्वारा ही किया जाएगा। वैल्यू एंड फी, यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी फी कितना होगा, वैल्यू ऑफ पीएसएलसी वुड बी रिप्रेजेंट द
equivalent of the PSL that would get deducted from the PSL portfolio of the seller and added to the PSL portfolio of the buyer. The buyer would pay a fee to the seller which will be market determined. यहाँ पर जो भी मार्केट के द्वारा डिसाइड किया गया है उसके द्वारा उसकी वैल्यू और फी यहाँ पर जो बैंक पीएसएलसी बाय कर रहा है उसके द्वारा पे किया जाएगा. लोट साइज द पीएसएलसी वुड हैव ए स्टैंडर्ड लोट साइज ऑफ 25 लाख एंड मल्टीपल. यहाँ पर जो पीएसएलसी का जो लोट साइज है वो 25 लाख या 25 लाख के मल्टीपल में होगा. अकाउंटिंग किस तरीके से होगी. द फी पे फॉर परचेज ऑफ द पीएसएलसी वुड बी ट्रीटेड एज ऑन एक्सपेंस. यहाँ पर जो बैंक के द्वारा पीएसएलसी परचेज किया गया है उसमें उसने जो भी फी पे किया है उसको एज ए एक्सपेंस काउंट किया जाएगा और जिस बैंक को यहाँ पर ये फी रिसीव हुआ है उसकी ये मिसलेनियस इनकम में काउंट करेंगे. डिस्क्लोजर्स बोथ सेलर एंड बायर शैल रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ द पीएसएलसी कैटेगरी वाइज सोल्ड एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर इन द डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट. और बैंक अपनी बैलेंस शीट जब फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा तो उसे सेपरेटली मेंशन करेंगे बाइंग बैंक भी और सेलिंग बैंक भी दोनों के दोनों. Thanks for watching.